हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश लेसन सी सॉन्ग. ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा हुआ है, हैव यू एवर कलेक्टेड सेल्स. सेल्स मतलब होता है शंख. आप लोगों ने देखा होगा जो थोड़े घूमे घूमे से होते हैं, छोटे छोटे शंख. ओके, एंजॉय दिस पोएम अबाउट अ सेल दैट सिंग्स. तो हमें ये पोएम पढ़ना है और एंजॉय करना है. एक ऐसे सेल के बारे में पढ़ना है जो कि जिससे गाने की आवाज़ आती है, जो गाता है. ओके, सी सॉन्ग. द नेम ऑफ दिस पोएम इज सी सॉन्ग. सी मतलब होता है समुद्र, सॉन्ग मतलब होता है गाना. ओके, आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन लाइंग ऑन द सैंड. आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम कोल्ड इनसाइड माय हैंड. तो ये जो एक बच्चा होता है पोएम में, वो क्या करता है, उसे एक सेल मिलता है. ठीक है, सेल मतलब चंक. और वो जो सेल उसे मिलता है वो थोड़े से घुमे हुए होते हैं, सेल थोड़ा घुमा हुआ होता है. और वो उसे कहाँ पर मिलता है, सैंड पर गिरा हुआ. आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम. तो वो बच्चा उसे उठाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है. और जब वो उसे घर ले जा रहा होता है तो उसे उसके हाथों में ठंडक महसूस होती है, मतलब उसे थोड़ा थोड़ा ठंडा फील होता है. मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर. तो मम्मी क्या करती है, उसके इस बच्चे की जो मम्मी होती है ना, वो क्या करती है, उसके हाथ से संक लेती है, उस बच्चे के हाथ से, और उस बच्चे के कान के पास उसे ले जाती है. ठीक है, एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग. और फिर क्या होता है कि उस बच्चे के कान के पास जब वो सेल ले जाती है तो उस बच्चे को ना बहुत अच्छी सी आवाज़, मतलब गाने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत, जो कि बहुत ही साफ है ना, स्वीट और बहुत ही क्लियर होती है, बिल्कुल साफ साफ होती है. आई वॉज सरप्राइज, आई लिसन्ड हार्ड. वो बच्चा जो होता है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है. वो सोचता है कि अरे भाई, ये कैसे हो सकता है, एक शंख से आवाज़ कैसे आ सकती है, मतलब उसे गाने की आवाज़ आ रही थी. तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, मतलब उसे बिलीव नहीं हो रहा था बिल्कुल भी. आई लिसन्ड हार्ड, उसने फिर से उसे बहुत ही ना शिद्दत से सुनने की कोशिश की. बट इट वॉज़ रियली ट्रू, लेकिन वो वाकई सच था, वो बिल्कुल सच था. आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग सेल एंड हियर इट सिंगिंग टू. तो वो सोचता है कि मैं एक और बड़ी सी शंख ढूंढ पाऊँ और उसमें से मैं गाने सुन पाऊँ. ठीक है, तो समरी ये इस पोएम का हो गया कि एक बच्चा होता है जो समुद्र के किनारे घूम रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर सैंड पर गिरा हुआ एक शंख मिलता है जो कि थोड़ा सा कर्ली होता है, घुमा हुआ होता है. शंख देखा होगा आप लोगों ने, उसकी जो बनावट होती है ना, वो थोड़ी सी कर्ल होती है, घूमी घूमी सी होती है. तो उसे वो मिलता है और वो उसे उठा लेता है, उठाकर वो अपने घर ले जाता है और उसे थोड़ा थोड़ा ठंडा फील होता है अपने हाथों में. और वो उसकी मम्मी को दिखाता है और मम्मी उसे उसके कानों के पास लगाती है और बच्चे को फिर उसमें से एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट और क्लियर होती है, साफ साफ होती है. और बच्चा बहुत ही आश्चर्यचकित होता है. आश्चर्यचकित इसलिए होता है कि उसे लगता है कि अरे, संग से गाने की आवाज़ कैसे आ सकती है. बट इट वॉज़ ट्रू, लेकिन वो सच होता है, गाने की आवाज़ तो आ रही होती है. ठीक है, उसके बाद वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि काश मुझे एक और बड़ी सी शंख मिल जाए जिससे कि मैं गाने की आवाज़ फिर से सुन सकूं. तो इस लेसन में हमने देखा न्यू वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं. पहला शेल, सेल मतलब होता है शंख. हेल्ड होता है, हेल्ड मतलब पकड़ना. सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, ठीक है, आश्चर्य होना. कर्ली मतलब घूमे हुए होते हैं, घुमा हुआ होता है. क्लियर मतलब होता है साफ. तो इस लेसन में हमने इतने सारे न्यू वर्ड्स देखे. आपको इस पोएम को लर्न करना है, न्यू वर्ड्स की स्पेलिंग्स को देखनी है ना, रिमेंबर करना है. फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.